अखिलेश यादव जी का जो है, मैं आपको बता दूं, उनको तो मैं अब अखिलेश, श्री अखिलेश यादव नहीं कहता हूं, उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। लेकिन वह पिछड़ों के नाम पे जो भी थोड़ी बहुत राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, कि अवसरवादिता कहा जाता है। अगर पिछड़ों के लिए उनके मन में कोई सम्मान होता तो 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत में थी और उन लोगों को स्थान देते जिनको इस समय स्थान देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं यह विश्वास रखता हूं कि पिछड़ा ना उनके साथ 2014 के बाद से गया है और ना 2022 के बाद भी जाएगा। हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं। मथुरा के एक ट्वीट ने पूरा भूचाल ला दिया है। देखिए, हम लोग तो अयोध्या, मथुरा, काशी, सबका विकास, हम ये नहीं कर रहे हैं कि हमने सारा समाप्त कर लिया, सारा काम खत्म हो गया, फिर हम काहे लिए सरकार में आना कर। अभी कुछ गड़बड़ सपा बसपा कांग्रेस मानसिकता के लोग बचे, अभी उनसे भी मुक्त कराएंगे, आपको ऐसा सुशासन देंगे किसी कमल के फूल की तरह आप भी खिले रहो। नहीं, वो श्री अखिलेश यादव जी की बेचैनी, जो अपराधी हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं, उनकी पार्टी जब उनको अलग कर दिया जाता है, सपा समाप्त हो जाती है, समाप्त पार्टी बन जाती है। इसे जब ऐसे गुंडे, अपराधी, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उनको लगता है क्रूरता का शासन है, लेकिन हमारी सरकार क्रूरता का शासन नहीं चलाती है, लोकतंत्र में सुशासन देने का काम करती है, अराजकता नहीं रहती। और वह अराजकता वाली सरकार चलाना चाहते हैं, हम जैसी जनता की आवश्यकता है उसकी सरकार देंगे।